बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है आप हमेशा खुश रहें। तो आज मैं जो है ना आलू की टिक्कियां बना रही हूँ, तो उसके लिए जो है ना ये सारी चीजें मुझे चाहिए। ये जो है ना प्याज है, ये बारीक मैंने काट लिया है। तो ये धनिया है, तो ये जो है ना ये ग्रीन चिली है, तो ये टमाटर, एक टमाटर जो है ना मैंने काट लिया था। तो ये जो है ना ये आलू जो है ना मैंने उबाल कर मिश कर लिए थे। तो ये जो है ना 6 जो है ना आलू थे, दरमियाने साइज के 6 आलू। तो अभी जो है ना ये मसाले जो है ना सारे अंदर डालते हैं। तो ये जो है ना ये टमाटर पाउडर है, ये जो है ना ये अनारदाना मैंने लिया है थोड़ा सा। तो ये जो है ना ये हल्दी है, ये नमक है, तो ये धनिया है, तो ये जो है ना ये चाट मसाला है, ये जो है ना थोड़ा सा आमचूर जो है ना पाउडर है, तो ये गर्म मसाला है, ये टमाटर पाउडर। तो अभी ये सारे मसाले इसमें डालते हैं। तो अभी ये भी सारी चीजें इसमें डालते हैं। अभी जो है ना ये 5 जो है ना चम्मच मैंने डाल दिया इसमें राइस फ्लावर। तो अभी जो है ना इसको सारा मिक्स करते हैं। अभी ये मिक्स हो गया, तो इसको अभी जो है ना 10 मिनट के लिए रख देते हैं। तो उसके बाद जो है ना फिर टिक्कियां बनाएंगे। अभी 10 मिनट हो गए हैं, तो अभी जो है ना टिक्कियां बनाना शुरू करते हैं। ये हाथ में थोड़ा सा पानी लगा लें ऐसे, तो इस तरह बनाना शुरू करें। इधर रख दें फिर। अभी ये दूसरी भी बन गई है। अभी ये टिक्कियां जो है ना वो तेल में डालते हैं, थोड़े से तेल में डालनी है, शालो फ्राई करनी है। अभी 2 मिनट हो गए हैं, तो इनको दूसरी तरफ से जो है ना वो करते हैं ऐसे। अभी इनको 2 मिनट इधर से पकाते हैं। अभी ये तैयार हो गए हैं, इनको अभी निकालते हैं। अभी ये जो है ना दूसरियां डालते हैं। अभी इनको दूसरी तरफ से करते हैं। अभी ये तैयार हो गई हैं, तो इनको निकालते हैं। ये 5 मिनट में जो है ना दोनों तरफ से पक जाती हैं। अभी ये आलू की टिक्कियां तैयार हो गई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बन गई हैं। तो आप देखें और एंजॉय करें, घर में आप ट्राई करें, और मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू।